वेट करते हैं वो शिगुआवा है, सॉल्ट सॉन्ग। प्री कस्टम कब आएगा? अभी तक तो नहीं आया, दो कस्टम खराब करते पहले। शिगुआवा है, सॉल्ट तो सॉन्ग। भाई बस मैच स्टार्ट होने वाला है, सिर्फ दो टीमों को थोड़ा सा अभी कस्टम हम बनाएंगे तो मैच जिसका होगा तो आएगा भाई। पाक टाइटंस वर्सेस वन मैन आर्मी बहुत खतरनाक गेम है, बहुत अच्छी स्क्वाड है, दोनों बहुत तगड़ी स्क्वाड है दोनों। और आपको ये भी बताता चले कि इसके बाद टॉप 50 वर्सेस T70 का मैच है, वो भी बहुत खतरनाक होगा। तो सब दोस्तों को चाहिए को लाइव स्ट्रीम पर आया करें, जो हमको सपोर्ट करना चाहते उसको तो हमेशा चाहिए कि वो लाइव पर आया करे। तो भाई तो मैच बहुत ख़तरनाक होने वाली है, क्योंकि ये मैच हो वन मैन आर्मी और पाक टाइटंस का मैच है। तो अभी हम कस्टम ज्वाइन कर लेंगे कि एक बंदा बना रहे हैं, तो भाई जितने भी हमारा फ्रेंड्स वगैरह है ना, उसको हमारे छोटे से रिक्वेस्ट होते को वो लाइव स्ट्रीम पर आया करे ना, क्योंकि कस्टम तो हम आप लोगों के लिए अरेंज करते हैं, लाइव आप लोगों के लिए चलाते। अगर आप लोग नहीं देते हो तो फिर कोई मतलब नहीं है, फिर तो हम लाइव को बंद करते हैं ना, फिर इसका क्या मतलब। तो चलो चलते हैं कस्टम। तो मैं शीट को थोड़ा सा इधर ऑफ करता हूँ, शीट को ऑफ करते हैं, लाइव उधर चलते हैं कस्टम के तरफ। तो पूछते हैं कस्टम किधर पहुँच गया। हाय परवरदिगार आखिर, तो भाई बहुत ही खतरनाक मैच देखने को मिलेगा इधर आपको। तो लिंक में शेयर करता हूँ, ग्रुप में भी शेयर करता हूँ। तो मसला ये है ना कि फिर बहुत मसले आते हैं, तो इधर मेरे ख्याल से हमको रूम का सब कुछ मिल गया, तो इधर ज्वाइन के लिए इधर करते हैं, इधर लाइव स्ट्रीम को थोड़ा सा ग्रुप में शेयर करते हैं, क्योंकि हमारा जो फेफल्स हमारे जो फ्रेंड्स वगैरह है, क्योंकि वो तो हमारे रेगुलर मैच में आते हैं, तो उसको सेंड करते हैं कि वो लाइव स्ट्रीम पर। तो भाई हम सेंड कर रहे हैं लाइव स्ट्रीम को अपने फ्रेंड्स को, क्यों लाइव पर आया करे भाई। ये आप लोगों के लिए हम बनाते हैं, आप लोगों के लिए हम करवाते हैं, जब आप लोग नहीं आओगे तो फिर तो इसका कोई मतलब ही नहीं है। तो इसलिए इसको मैंने शेयर कर लिया इधर लाइव स्ट्रीम। इधर हम चलते हैं गेम में और ज्वाइन करते हैं लाइव गेम कस्टम को। तो भाई रमज़ान कैसा चल रहा है, कितने रोज़े रखे, किस किस ने रखे, सब ने रख लिया या नहीं, सर्दी है या गर्मी है? तो भाई इसके बाद एक और खूबसूरत मैच होगा जो बहुत ही डेंजर गेम होगा भाई, आपको बताता चला कि ये। तो चलो शीट को ऑन करते हैं, बंदे फिर बोलेगा शीट ऑफ है, तो चलो हम इसको ऑन करते हैं। और ये क्या चीज़ है, तो इधर क्या चल रहा है, वाह भाई ये क्या है, नो जो टीम जिसको भी सपोर्ट करते हैं उसको चाहिए कि वो कमेंट्स कर ले अपने टीम के लिए, बताए कौन सा टीम सपोर्ट करता है, तो फ्रेंडली
कि उसको चाहिए कि वो हमें बताए कि ये टीम हमको सपोर्ट करना है, ये हमको सपोर्ट करना है, तो फिर हमको पता चलेगा। तो चलो कस्टम को ज्वाइन करते हैं, आईडी से लॉग इन करते हैं और चले जाते हैं कस्टम पर। तो एक कस्टम का आईडी हो गया, अब ज़रो पर चलते हैं, अब ज़रो में आ गया, पासवर्ड डालते हैं। थोड़ा सा मोबाइल स्लो है, पता नहीं क्या है। तो इधर हम आ चुके हैं और आपको बताता चल कि दोनों दोनों स्क्वाड है, बस मेरे ख्याल से फुल है, सिर्फ मेरे ही इंतज़ार। तो मैं तो मेरे ख्याल से आ गया हूँ। तो भाई स्टार्ट करते हैं, तो इधर इसको देखता है स्टार्ट। तो भाई स्टार्ट, तो भाई स्टार्ट कर लो। तो वन मैन आर्मी और फाक टाइटन्स का दोनों का टीम इधर आ चुके हैं। ब्यूटी क्वीन, उमे जानी, उमे कोको, जवान गेमिंग, टॉप 50 लीडर, सब इधर देख रहे। तो स्टार्ट द गेम चाहिए भाई। स्टार्ट का कहना यार सज्जा खरी जोड़ा खड़ेगा। स्टार्ट करो यार। तो 1 2 3 स्टार्ट नाउ। तो ये हो गया खतरनाक मैच, वन मैन आर्मी वर्सेस पाक टाइटंस। तो देखते हैं क्या करता है आज वन मैन आर्मी। तो जेक को हमारे लाइव पर आज गेम पर पस बंद है। अयाज आज टीम का लीड कर रहा है, लीडर आज इंजरी की वजह से उसका हाथ इंजरी हो चुका, तो इस डे ना आ सका मैच में। तो इस आज लीड कर रहा है अयाज भाई, इस टीम का लीड कर रहेगा आज इस गेम का। और इधर इसके साथ है जेक और हसन भी इसके साथ है और क्रेजी है। अगर आप इधर हमजाला की बात करें तो ये भी प्रो बंदा है, बहुत प्रो बंदा है भाई। पिछले गेम में ज़्यादा किल करने वाला प्लेयर था हमजला। और इसके साथ हंटर एमपी पाइप उठाया है हंटर भाई ने। इधर हम और शित की बात करें तो इसने भी एमपी पाइप उठाया है। शेरी की बात करें तो उसने भी उठाया है। तो हम चलते इधर, जेक ने रश मारने की भरपूर कोशिश कर चुका है, जेक जो रश मार और डाउन कर चुका है भाई। तो जेक को ख़त्म भी किया शेरी भाई ने। तो इधर चलते हैं हम, पस किल रहा और शेरी के दूसरा बंदा भी ना के वन मैन आर्मी का। तो डबल किल शेरी भाई ने कर चुका है इस गेम में। तो चलते अयाज के तरफ चलते हैं, अयाज जी ट्रिगर यूज़ करते हुए। तो और डाउन कर चुका है, अयाज को भी डाउन किया है। तो इधर हसन अकेला ही बाकी है, एमपी पाइप यूज़ करते हेड शॉट दे दिया, लेकिन बंदा पीछे से आ गया और ट्रिपल किल शेरी ले कर लिया भाई। तो इस बार और शीरी ज़्यादा किल कर चुके हैं और पाक टाइटन की जानिब से कमरे की थी। तो इधर हम बात कर रहे हैं वन मैन आर्मी की, तो वन मैन आर्मी फर्स्ट राउंड रहा पाक के साथ। अच्छी गेम प्ले तरह देखने को मिल रहा है। नेटवर्क हाई जाता है, पता नहीं क्या मसला आ रहा है। तो भाई वन मैन आर्मी को चाहिए कि वो कोर में रहे, वरना मसला हो सकते हैं आप लोगों के लिए। याज हो आज हो अपने टीम के लिए भरपूर कोशिश, लेकिन डाउन हो गया, एक बंदा नाक कर चुका है मेरे ख्याल से, मुर्शिद को ख़त्म किया याज भाई ने। तो चलो जेक को दिखाता है, जेक क्या कर, जेक ने भी बंदे को थोड़ा सा डैमेज कर चुका है। तो अदर गुरुवाल पे गुरुवाल लगाता जा रहा है, जेक भाई हेड शॉट मारने की कोशिश लेकिन बच गया। तो हसन भाई को थोड़ा सा दिखाते हैं, हसन क्या कर रहे क्रेजी को। चलो हमजला के पास भी चलते हैं। तो हमजला को डाउन कर चुका है वन मैन आर्मी का, पूरा स्क्वाड एक साथ रश मारने की कोशिश कर रहा है।
इधर हंटर भाई हम जला को उठा रहे और मेरे ख्याल से उठा भी लिया। तो हंटर भाई दो बंदे ना के एक ही बंदा बाकी है, हंटर अकेला बाकी है, अवान में दो तो बंदे बाकी है। तो देखते वन मैन आर्मी ने अपने राउंड को ले लिया है और वन मैन आर्मी वन वर्सेस वन से बराबर कर दिया। तो वन मैन आर्मी बची, प्रो ऐसी गिल्ड तो है नहीं, प्रो गिल्डों में से एक है, पिछले टूर्नामेंट में सेमीफाइनल हारा था। तो हम जला की बात करें, पिछले गेम में बहुत अच्छी कमबैक किया था, अपने टीम के लिए विन किया था, ओपी गेम प्ले किया था पिछले गेम में हमजला भाई ने। तो चलो क्या करते हैं, आज हमजला भाई अपने टीम के लिए विन कर पाएगा या नहीं, तो देख रहे हैं हमजला भाई। तो हंटर भाई को थोड़ा सा दिखाते हैं इधर, ओ डाउन कर चुका है हंटर भाई को, मेरे ख्याल से जेक की है, आज जेक ही है ने बंदों को, अयाज ने ख़त्म किया जेक। तो मोहम्मद सादिक वालेकुम सलाम, मोहम्मद सादिक उसने बुरा चुका है। तो वन मैन आर्मी की अच्छी गेम प्ले इधर चल रही है भाई, अयाज बाहर हेड शॉट मारने की कोशिश कर रहा है, जेक भाई को दिखाए तो जेक भाई एक किल के साथ है। इधर चलते हैं मुर्शिद के पास, चलते हैं मुर्शिद का मतलब क्या मतलब, ओ वाह भाई क्या गेम प्ले मारा है, क्या गेम है भाई। इधर मुर्शिद का एक ही बंदा को डॉ ओ ख़त्म भी किया, हसन को ख़त्म किया, क्या हेड शॉट मारा, शेरी को भी, इधर जेक भी डाउन है। तो वन मैन आर्मी का एक ही बंदा रह गया, ओ क्रेजी ही है। तो डबल किल ले लिया इधर, ओ मुर्शिद भाई ने क्या खूबसूरत गेम प्ले किया। तो देखते हैं क्रेजी भाई क्या करते, तो आप लोग कमेंट्स हम बाद में बताएंगे। रॉड लास्ट बंदा है वन मैन आर्मी ने, दो तीनों को मारे तो उसको 200 टॉप अप मिलेगा भाई। आयास है मैच में तो मौजूद है भाई, तो तीनों को क्रेजी मारेगा तो उसको 200 टॉप अप मिलेगा, क्रेजी दोनों को मारेगा, तीनों को मारेगा तो 200 टॉप अप। हम जला भी बोलते हैं भाई हम तो भी किसी से तो कम है नहीं, कैसे ही तीनों को मारेगा, तीनों को मारेगा तो ये मुश्किल है भाई। तो क्रेजी भाई आओ में वन मैन आर्मी को हमारे साथ आ चुके हैं लाइव स्ट्रीम में, तो वन मैन आर्मी का सपोर्टर भी हमारे साथ मौजूद है। तो क्या याल है वन मैन आर्मी आज जीत पाएगा या नहीं, तो पाक के साथ दो राउंड रहा है। तो नसीर भाई बोल रहे कि वन मैन आर्मी आ जाओ, क्या मसला है वन मैन आर्मी आ जाओ, नसीर को नहीं उतारा क्या, वो मसला आया था नसीर को आज वो नहीं उतारा, नेटवर्क भी हाई चलता है, पता नहीं क्या मसला है इधर। एक दिन यारी क्या सीन है जी, नेटवर्क ऊपर चलते फिर गेम मज़ा नहीं करते। वाह भाई दूसरे को दिखाते थोड़ा सा, एक ही रमज़ान है हर बंदे ने लाइव स्ट्रीम बस स्टार्ट किया है। नसीर गुजशे हुए थे अकबल टीम था और दलता चिद अयाज खबर है वो अयाज डाउन शो अयाज ने खेस्ता बनती हेड शॉट जमा पहल चौर ओवर को और उस भी पता बोले कि चा डाउन करे थे हंटर अकेलो को हंटर दूसरे लुमड़े की लुदा चमेला शो ओवर था और दलता उस खबर आ कहो बेहद खतरनाक गेम शो हो गया और अदलते वाला हमजला डाउन शे हुए थे और हमजला सरा सरा और जेक चिकम दे जेक डेर ख गेम शोरों करे दे जेक सारा चिकम दे क्रेज ओवर सारा दो किल कर दी और जेक के डाउन को जेक डाउन शो तो ओवा भाई वाह कम हेड शॉट है दलता वाल को ताजो करे जे दा हेड शॉटू को रही और दा डे खतरनाक हेड शॉटू। तो जमा बखेल से क्रेज इन डाउन शो अभी पलका सा पास हो जेक हम पास है दो तो यो हंटर अकेला पा कि दे ओ दलता और सारा सोक डाउन शो जे गलती कही 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 ट्रिपल किल किया।
درې کیل هانټر وکړل چې یک ډېره غټه غلطي وکړه، ډېر غټ مسټیک یې وکړ، کس را پاسو ولو ټیم نو د کس را پاسو دی وخت کې به کس نه را پاسه، دی وخت کې برش وې روکه چې ته په زون کې ګیرې ته کس څنګه را پاسې. درې راونډه زما په خیال چې پاک ټایټنز ور هو ګټل او په خوب په طریقې سره روان دي، خوب غټ پلین سره ګیم کوي. نو زما چې څومره خیال دی چې دا میچو ون مین آرمی نه په اسانه سره ګټي. دوی نن ځان سره کوکو نه دی کوس کړی، چې تاسو کوکو نه کوس کړی میچ په چا ګټئ؟ د ون مین آرمی کوکو نه دی راغلی، ډېر غلط کار یې کړی چې کوکو ځان سره نه دی کوس کړی. د هانټر خبره کې هانټر په تیر شوي راؤنډ کې درې کیل کړي دي، خو دلته والا بي پی والا یو کس سپلای کو، ویازې والا سپلای کو، فوکنه بي بوټي خورا خورا کړی دا اجی کو. تو مسالہ دا اول مینار میں مڑے غٹ پریشر راغلے دے دا گیا کریکٹر یو سکول پکڑ دی جگہ چے اگے اگے ډیر زیات خکڑے دے دا شاٹ نی والا خیر استک شاٹ ور کو خوب کس ڈاؤن نو کو ډیر غٹ ہیڈ شاٹ والا ور کو جیک بھائی جگہ ہیڈ شاٹ وو کنا خوب بس را لے جیک بھائی کس را لے ولا دلتے والا حسن ہم ڈاؤن کڑے دے دا دای خو دا کریزم بس لاړه دی، کریزم حالات خراب دی، دا کریز درې کیل دی. جیک بسونه ولی جیک برا وختو کریز ډاون شو. وعلیکم سلام د پاک 17 کس مونږ سره لایو سټریم ته رالی. نو دینه پس د ټاپک دی سره میش دی خطو یو کس ولا ډاون کړی دی او نیټورک ډېر زیات خیږي راخیږي. پته نه کېږي کم سلو پته د نیټورک خو په دینو په اسلام زه بیخي نه پوهېږم یار، فورجی د خصی نیټورک روان دی پته نه لګي او کار نه کوي یار. خو جیک دا سرور ونه ویشت نو 1500 ډایمنډ ډول کو 1500 اشتل یادو ملي منټ کې دل ګور نه یادو در تو وی ما دار په سر او خطو په سر او خطو په سر او خطو بس د جیک لاړ جیک واپس لاندې و دا انګل رورا. جیک ډیر خسته گیم شروع کړی خو نیټورک ولا ذات نه ور کوي رورا. بس لاړه لې میچ لاړه لیتی لاړه لیتی سلور راؤنډ تو ګټل 517 طرفه صادق کوئی 1500 زما له طرفه ون مینار میں بدقې راؤنډ ګټلې ده کته دې چشمې واچي. او خو د په شعري خبره کې سیوا کې لټول نه کړې دي پیرې پاک ټایټنز والا سلور راؤنډ مخ کې دي ټاپ 15 دغه نه ون مینار مینا ایک راؤنڈ ون میں نرمی کے ساتھ ہو، پانچ راؤنڈ پاک والے کے ساتھ. کیا کر رہے ہو؟ موڑ مار رہے ہو بھائی؟ کیا کر رہے ہو؟ پیچھے بندے ہیں، موڑ پھر ماروں گے. تو ڈاؤن کر چکا ہے ادھر جیک نے، اور ادھر گروال کا اچھا استعمال لیکن نہیں. میرا اللہ سکھ دے. خوبصورت گیم ہنٹر کی جانب سے. تو ہنٹر نے ایاز نے اس کو ہیڈ شاٹ جیسا ہیڈ شاٹ دے دیا. تو ایاز کریزی ہے، ادھر ایاز بھی ڈاؤن ہے. تو ون مین آرمی نے میرے خیال سے سٹارٹ لینے کی کوشش کر رہا ہے. ہاں میرے خیال سے کریزی موڈ میں آ چکا ہے. تو کریزی کا تو ادھر کریزی بھی ڈاؤن کر چکا ہے. ایاز نے بندے کو ختم کیا تو پورا اسکواڈ ختم. تو ادھر ون مین آرمی نے دو راؤنڈ جیت چکا ہے، کم بیک کرنے کی بھرپور کوشش کر رہا ہے. ادھر کریز کوکو کو نہیں کھیلا آج یار، کیا نصر لینن مقور نکلا، نصر ڈیر زیاد غصہ ہے یار آج جو ہے نا. اصل میں او ایم اے کوکو کو نہیں کھلایا، جو بڑا زبردست پلیئر ہے اور اپنا جو ہے نا اپنی گلڈ کے لیے بھرپور کوشش کرتا ہے، لیکن پتہ نہیں چلو نیکسٹ ٹائم. اور آج پتہ نہیں او ایم اے والے کیا کرتا ہے، یہ تو اس طرح گیم ہی نہیں کرتے جس طرح آج ہی کھیل رہے چار، یہ تو ہر ٹیم کو 4-0 سے شکست دیتا ہے اور آج خود پیچھے جا رہے 4-2 کے ساتھ ہے. تو دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے ون مین آرمی کی جانب سے. اور پاک والا پتہ نہیں آج کون سے کیا کہا کہ آیا ہے پاک والا، بڑی زبردست گیم پلے کر رہا ہے پاک والا. اور نیٹ کا بہت زیادہ بڑا مسئلہ ہے ادھر جو ہے نا، آج کام ہی نہیں کرتے. تو سب پل سروائیو سٹارٹ ہے اور ادھر جو ہے نا ابھی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے.
और इसके पीछे हंटर चला गया और दो गोली वाला शॉटगन उठा लिया। ओ भाई हसन की जानिब, हसन हसन पकड़ लिया और हसन निकल गया और भागने में कामयाब हो गया। हंटर इसके पीछे लगा हुआ है और इससे जो है ना एक शेरी को ख़त्म कर दिया, पूरा करेगा शेरी को, तो पूरा भी कर दिया जैक ने। तो देखते हैं, नेटवर्क का बड़ा ज़्यादा मसला है और इधर जो है ना मेरे ख्याल पे ये इसको जो है ना ये दाऊनी समाड़ा दा खुद सर नेटवर्क का रहा था। नेटवर्क कार ने क्या जूम कार नहीं, नेटवर्क कार ने तो क्या कर रहे, नेटवर्क काम नहीं करते तो नेटवर्क का काम है। हमारा काम तो है सिर्फ लोगों को दिखाना, लेकिन नेटवर्क का काम है हमारे साथ देना, लेकिन नेटवर्क साथ नहीं दे रहे तो भाई क्या करें। तो उधर मुकम्मल सर्वाइव स्टार्ट है भाई, नेटवर्क का मुकम्मल सर्वाइव है इधर। नेटवर्क ऐसा है जैसे ज़िंदगी में कभी नहीं था ऐसा। चलते आ जाते 300 पर, चलते फिर आते उतर, चलते 500 पर चलता है, ऐसे तो नहीं होते। नेटवर्क तो जिससे पिछले दिन में बहुत अच्छा था, आज पता नहीं क्या हो गया। वो अब इधर बंदा भी ना क्या, उधर नेटवर्क काम नहीं करते, थोड़ा सा वेट करते हैं।